पूर्वजों को लड़ना पड़ रहा है, उनकी मठ जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है। अब ये देखिए कि हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हमें यहाँ अपना हक मांगने के लिए हमें पूरी एक एक गांव से एक एक आदमी को बुलाना पड़ रहा है। मैं और कुछ पे आज भी वो अतिक्रमी है, हमारी ये मांग है कि प्रशासन अति शीघ्र जितने भी खसरे पे जिसपे अतिक्रमण कर रखा है उसे अतिक्रमण से मुक्त करवाए। मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। राजपूत समाज द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। राजपूत समाज द्वारा धरना प्रदर्शन गांव वोपारी में वीरवर राव कुंभाजी राठौर का गुरुद्वारा आसन मठ की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर किया गया। राजपूत समाज के आह्वान पर एक गांव एक राजपूत के नारे पर हजारों राजपूत संख्या में राजपूत समाज भवन पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक खुशी सिंह जोजावर भी राजपूत समाज भवन पहुंचे। राजपूत समाज का हुजूम समाज भवन से पैदल मार्च करते हुए उपखंड कार्यालय भवन के बाहर सांकेतिक धरने पर बैठ गया। राजपूत समाज की प्रमुख मांगे वोपारी गांव में वीरवर राव कुंभाजी राठौर का गुरुद्वारा आसन मठ स्थित है, जो कुंभाव समाज के साथ ही समूचे राजपूत समाज का आस्था का केंद्र है। राजपूत समाज का कहना है कि गुरुद्वारा आसन मठ में महिला पुरुष दर्शन करने जाते हैं, लेकिन विगत वर्षों से दीनानाथ पुत्र चतरनाथ गोपारी द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। गुरुद्वारा आसन मठ में दर्शन करने जाने वाले महिला पुरुषों पर झूठे मुकदमे करता है चतरनाथ, जिससे समाज समस्त राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय अधिकारियों पर राजपूत समाज ने चतरनाथ पर आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन कहीं ना कहीं चतरनाथ को एक सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से ही चतरनाथ के हौसले बुलंद है और जमीन पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। चतरनाथ को वहां से हटाने और चतरनाथ से जमीन मुक्त करने पर आज राजपूत समाज ने एक पैदल मार्च कर एक सांकेतिक धरना उपखंड कार्यालय के बाहर देकर उपखंड अधिकारी को जमीन मुक्त कराने के लिए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विधायक खुशी सिंह ने भी शिरकत की। तो आई खुशी सिंह ने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। आप इसके लीगल ओपिनियन भी ले लें एक्सपर्ट से और उसके अनुरूप आप हमारी ये मांगों को किस तरह करा सके ताकि शांतिपूर्वक तरीके से क्षेत्र में शांति बनी रहे। एक व्यक्ति अधिकार नहीं कर सकता, इस पर 36 कौम का अधिकार है, एक का नहीं है, न एक समाज का है। समाज आगे हुआ है कि गलत हो रहा है, कानून के विपरीत हो रहा है, नियमों के विरुद्ध हो रहा है। जो मठों की स्थापना जो हमारी हुई है तो उसमें परंपरागत ये रहा है मठों में कि वंशानुगत कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। तो उसी के अनुरूप क्या ये व्यक्ति जो आज यहाँ कब्जाधारी व्यक्ति है, क्या वो संविधान मठ के संविधान के अनुरूप है या उसके विपरीत है? तो हम ये चाहते हैं कि उसके अनुरूप हमें शांतिपूर्वक तरीके से जो आज सबने एक सांकेतिक धरना दिया है और सबने एक एक गांव से एक एक प्रतिनिधि को बुलाया है, आसपास की सोजत तहसील है, मारवाड़ जंक्शन तहसील है और देसूरी रानी और 4-5 तहसीलों से एक एक गांव से एक एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं आज। तो हमारी मांग है और शांतिपूर्वक तरीके से हम किसी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं होगी ये आपको आश्वस्त करके जा रहे हैं और हमें शीघ्र न्याय दिलाने की आप कोशिश करें इसी उम्मीद के साथ। एक वोट के अगर होगा जमीन है, ये कुंभाजी महाराज के गुरुद्वारे की जमीन है और उनके जो मठ था गांधी ऊपर जो शादीशुदा नहीं होता वही बैठ सकता था, उनको सेवा पूजा के लिए बैठाया, यह कि उनको मालिक बनने के लिए बैठाया। ये कुंभाजी महाराज के मठ की जमीन है और जो जमीन है वो
उन्होंने अलग अलग जो प्रशासनिक अधिकारी आए उन्होंने फूट फूट करके अलग अलग नाम से कभी किसी के नाम से सजा दी और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, शादी करके अपने बेटों के नाम से अलग अलग सजा दी। जबकि डोली हो चाहे मठ हो, सरकार का नियम है कि वो उस मंदिर की ही रहती है और इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो आप दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, जिनकी जात शादी ब्याह होते हैं तो जात के लिए भी जाते हैं, वो वहाँ भी बेदखल करने लग गया। तो हमारा निवेदन है कि जो कोर्ट से आदेश मिला हुआ है, हाई कोर्ट से आदेश मिला हुआ है, तुरंत प्रभाव से उसको वहाँ से निकाला जाए और जमीन है गुरुद्वारा की है और गुरुद्वारा कमेटी को ये जमीन सौंपी जाए। जी जिन्होंने दिल्ली की संतलत को ललकारा था, 80,000 के सामने 5,000 रणबाव के लिए लड़े, अपना सर्वस्व निछार कर दिया इस धरती के लिए, इस स्वाभिमान के लिए, शेरशाह सूरी को ये बोलने पर मजबूर कर दिया कि मुट्ठी बाजने के लिए दिल्ली की संतलत को बैठता, वही राव कोपा जी की धरती है और वही राव कोपा जी की समाधि है। हमारे खुद के पूर्वजों को लड़ना पड़ रहा है, उनकी मठ जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है। अब ये देखिए कि हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हमें यहाँ अपना हक मांगने के लिए हमें पूरी एक एक गांव से एक एक आदमी को बुलाना पड़ रहा है। मैं मकराना से आया हूँ, कोई मारवाड़ से आया, कोई जोधपुर से आया, कोई पाली से आया, कोई रानी से आया, कोई फालना से आया, केवल मेरे दादा के लिए, खुद के दादा के लिए, किसी और का नहीं बोल रहा हूँ मैं कि फलान डीकर अलग कास्ट का नहीं। और वो भी बोल रहे हैं कि 3600 कौम के काम आएगी वो जमीन। मठ की एक परंपरा रही है गुरु शिष्य की, हर एक गुरु का चेला होता है, चेला का अधिपति होता है। वहाँ कोई गुरुजी आ गए, गुरुजी थरप के अपने बेटे को बना दे, बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरीके की कोई भी व्यवस्था को, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अगर वहाँ पे कब्जा है, हम चाहें तो एक तिनके के सामान उड़ा सकते हैं एक मिनट में जाके। ये देख लो, वही रणबांकुर हैं जिनके कारण से धरती गर्म हो जाया करती थी। हम में कोई खून, बस समय बदल सकता है, रक्त नहीं बदला है, वक्त बदला है, पर हम नहीं चाहते अनुसार से निंदा करें। हम तो वो लोग अभी हजारों की संख्या में 3 कांस्टेबल आ गए थे केवल हमें इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए। उनको मालूम है अनुशासित कौम है, अनुशासन की परीक्षा न ले कोई भी प्रशासन, मुंह फाड़ के दांत गिनने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन अगर हमने जवाब दिया तो चीड़ फाड़ कोई राजपूत के अलग से बात नहीं है, सर कटाएं धड़ लड़ें। राजपूत का इतिहास खून से लिखा हुआ इतिहास है, ये कोई पेन की शाही से लिखा हुआ इतिहास नहीं है। अगर कोई मिटाने की कोशिश करेगा बाकायदा मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी सीनियर लोगों के साथ है मेरे, वो लोग, वो पुरखे लोग, वो बड़के लोग, जिन ये अंतिम पीढ़ी है हर एक समाज की, साफे वाली ये चली गई तो बाद में केवल ये निधियाँ हमारी, हम इनके नेतृत्व में आए कि ये लोग जो आदेश करेंगे वो करेंगे। और अगर प्रशासन से सही जो हमें उम्मीद है वो नहीं हुई तो बाकायदा करनी सेना कुछ करेगी, राजपूत समाज वहाँ कुछ करेगा और हम खुद उठा के उसको फेंक देंगे। देखो हमारी तरफ से ये जो संघर्ष समिति जो पिछले 2016 में भी आया था इसी बोकारी गांव में, उसी मठ में जाके आया था, मुझे आज भी याद है, 6-7 साल पहले, और वापस आया। अब देख लो 6-7 साल तो हमें इंतजार हो गए, अब कितना का इंतजार कराओगे भाई, 2-2 विधानसभा बदल गई है, पिछली सरकार किसी की थी, अब सरकार किसकी है, और अब 4 महीने बाद फिर चेंज हो जाएगी, कितनी सरकारें चेंज होगी। हमारे खुद के बाप दादा की जमीन की बात कर रहा हूँ, किसी और के कब्जे की बात नहीं कर रहा, किसी और की मैं जमीन की बात, मैं कब्जे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे उन पुरखों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया 3600 कौम के लिए, मठ बनाया, यहाँ किसी को शिक्षा दीक्षा मिलेगी इसलिए नहीं कि यहाँ किसी परिवार के भरण पोषण का अड्डा बनेगी, महिलाएं नहीं रह सकती वहाँ पर, वो भी वीर शिरोमणि राव कोपा जी, जिनके इतिहास के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका गुरुद्वारा जो व्यापारी में है और आयुष परंपरा के अनुसार गुरुद्वारे की एक विधान होता था कि जो भी उस पर गादीपति होता था, जो उस मठ पे आसीन होता था, वह कुआरा व्यक्ति होता था और कुआरी गादी है। लेकिन वर्तमान में जो अतिक्रमी है वो अतिक्रमी न तो कुआरा है और वो वंश परंपरा के तहत यहाँ पे अपना अधिकार करना चाहता है, जो बिल्कुल गलत है। गुरुद्वारे के यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा रही है पूर्व में, और गुरु के बाद में शिष्य को भी किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए उसमें समाज का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था, और इसको हमारे समाज ने किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं दी है। इसको सरकार ने भी अतिक्रमी माना है, न्यायालय में भी इसको अतिक्रमी माना है, और इसको वहाँ से बेदखल करने की कार्रवाई भी हुई है। लेकिन चूंकि वो वहाँ की लंबी चौड़ी जमीन का उपभोग कर रहा है, उसके आमदनी भी हो रही है, उस कारण वो प्रशासन की मिली भगत से कुछ कचरे से तो उसे वहाँ से हटा दिया गया, और कुछ पे आज भी वो अतिक्रमी है। हमारी ये मांग है कि प्रशासन अतिशीघ्र जितने भी कचरे पे जिसपे उस अतिक्रमण कर रखा है उसे अतिक्रमण से मुक्त करवाए, और जो हमारा आसन है
जो हमारा आस्था का केंद्र है, जहां हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज स्थिति है कि वहां अगर लोग दर्शन करने के लिए जाए तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इससे ज्यादा और क्या विडंबना हो सकती है। प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारा जो मठ है, हमारा आसन है, उसको अति शीघ्र उससे मुक्त करवाया जाए। और आज ये एक दिवसीय सांकेतिक धरना है, हम आगे ये चेतावनी देते हैं कि अति शीघ्र एक महीने के अंदर अंदर अगर प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो फिर मजबूरन राजपूत समाज को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये हम सब आपको बताना